हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एक कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एक कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनता है। ईच वर्ड मेक्स अप द पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जिन दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर वो कंपाउंड नाउन बनता है, तो उस कंपाउंड नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन सभी शब्दों का अपना अपना योगदान होता है। द मीनिंग ऑफ द होल कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स ऑन देयर ओन। जो कंपाउंड नाउन का मीनिंग होता है वो उन शब्दों के अलग अलग मीनिंग से जो है डिफरेंट होता है। मतलब जिन दो शब्दों से मिलकर वो कंपाउंड नाउन बना है, अगर हम उन दो शब्दों के अलग अलग मीनिंग देखें तो उन दो शब्दों के जो मीनिंग होते हैं, उन दो या दो से ज़्यादा जितने भी शब्द हैं जिनको हमने उस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए यूज़ किया है, तो अगर उन शब्दों को हम डिफरेंट डिफरेंट अगर उनका मीनिंग निकालें तो उनका मीनिंग अलग होगा, लेकिन उन शब्दों को मिला के जो कंपाउंड नाउन बना है तो उस कंपाउंड नाउन का मीनिंग जो है वो अलग होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया टूथ और पेस्ट। तो टूथ क्या होता है? टूथ हम एक दांत को कहते हैं। तो टूथ और पेस्ट, पेस्ट क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ होता है। तो टूथ और पेस्ट दोनों को मिलाया तो बना टूथपेस्ट। तो आप देख रहे हैं टूथपेस्ट एक टूथपेस्ट क्या होता है, जो टूथपेस्ट दांतों को जो है साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट एक अलग नाउन बन गया और हमने इसको बनाने के लिए कितने शब्द यूज़ किए? टूथ और पेस्ट, जबकि इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। टूथ अलग मीनिंग है, पेस्ट अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों को जो उन्हें मिलाया तो एक नया नाउन बन गया टूथपेस्ट। यही कंपाउंड नाउन है। इसी तरह से बेड, बेड को हमने मिलाया रूम से, अर्थात बेड एक अलग नाउन है, रूम एक अलग नाउन है, इन दोनों को मिलाया तो बन गया बेडरूम। तो ये कंपाउंड नाउन है। उसके बाद है पोस्ट, पोस्ट और मैन। पोस्ट एक अलग नाउन है, मैन एक अलग नाउन है, इन दोनों को मिलाया तो बन गया पोस्टमैन। अब देखिए, पोस्टमैन का एक अलग मीनिंग है और मैन का अलग मीनिंग है, पोस्ट का अलग मीनिंग है, ठीक है। इसी प्रकार से बेडरूम, जिन दो शब्दों से मिलकर बना है बेड और रूम, तो बेड एक अलग मीनिंग है, रूम एक अलग मीनिंग है, लेकिन बेडरूम ये एक अलग मीनिंग को कन्वे कर रहा है। इसी प्रकार से वॉल, वॉल पेपर, वॉल का मतलब होता है दीवार, पेपर मींस होता है कागज़, दोनों को जो उन्हें मिलाया तो बना वॉलपेपर। वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में भी रखते होंगे और वॉलपेपर आपने देखे भी होंगे, वॉलपेपर, तो वॉलपेपर एक नया नाउन है। इसी प्रकार आइस क्रीम, आइस एक अलग नाउन है, क्रीम एक अलग नाउन है, दोनों को मिलाया तो बन गया आइसक्रीम, जिसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड नाउन है और ये कंपाउंड नाउन जो है इन शब्दों से मिलके बने हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, तो यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है टूथ, फिर है पेस्ट। इस प्रकार से ये जो नाउन है बेडरूम, पोस्टमैन, वॉलपेपर, आइसक्रीम, ये जो सभी नाउन्स हैं ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा था ईच वर्ड मेक्स अप द पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए जो दो शब्द हम या दो से ज़्यादा शब्द हम यूज करते हैं उनका अपना अपना महत्व होता है, ठीक है। वो दो या दो से ज़्यादा शब्द जिनसे वो कंपाउंड नाउन बना है, तो उस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए उन सभी शब्दों का योगदान होता है, सभी शब्द मिलकर उस कंपाउंड नाउन के मीनिंग को पूरा करते हैं। जैसे टूथ और पेस्ट, इससे बना टूथपेस्ट। अगर मैं इसमें से एक नाउन हटा लूँ तो टूथपेस्ट का मीनिंग वो नहीं निकलेगा और टूथपेस्ट जो कंपाउंड नाउन ने बनाया है वो नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक वर्ड को हटा लूँ पेस्ट, तो भी उसका मीनिंग प्रभावित होगा। तो इस तरह से हमें टूथपेस्ट अगर नाउन बनाना है, जो कंपाउंड नाउन वो बनाना है, तो हमें टूथ और पेस्ट दोनों ही शब्दों का हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ईच वर्ड मेक्स अप द पार्ट ऑफ द मीनिंग, ठीक है। प्रत्येक शब्द का योगदान है ये कंपाउंड नाउन को क्रिएट करने में, कंपाउंड नाउन को फॉर्म करने में। इसी प्रकार बेडरूम, पोस्टमैन, वॉलपेपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जिन दो शब्दों से मिलकर बने हैं उन दोनों ही शब्दों का अपना अपना योगदान है। अगर उन दोनों शब्दों में से एक शब्द को भी हटा दिया जाए तो कंपाउंड नाउन नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमने पढ़ा था द मीनिंग ऑफ द होल कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स ऑन देयर ओन, अर्थात ये जो कंपाउंड नाउन बना यहाँ पे, इसका जो मीनिंग होता है वो ये जिन दो शब्दों से मिलके बना है उनके इंडिविजुअल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट क्या होता है जो हम दांतों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, ये जिनसे बना है वो है टूथ और पेस्ट। जबकि टूथपेस्ट ना तो इससे संबंधित है ना तो अकेला ये है, क्योंकि टूथ का मतलब तो दांत होता है, जबकि टूथपेस्ट साफ़ करने का एक लिक्विड होता है, दांत साफ करने का। इसी प्रकार से पेस्ट, पेस्ट एक लिक्विड होता है, लिक्विड तो कोई भी हो सकता है। लिक्विड जैसे हमारे शरीर में अगर दर्द होता है तो कोई भी मरहम होती है वो भी लिक्विड ही होती है, तो लिक्विड तो कोई जो पेस्ट होती है वो तो कोई भी हो सकती है, लेकिन टूथपेस्ट ये इसका एक अलग पर्पज है। इसी प्रकार से रूम कोई भी हो सकता है, ठीक है, हमारा जो है स्टोर रूम भी हो सकता है और भी कोई रूम हो सकता है। रूम मीन्स एक कॉमन रूम, और बेड होता है एक बिस्तर। एक बेड को आप अलग रख सकते, एक अलग वे में ट्रीट करते हैं, और रूम को एक अलग रूम में वे में ट्रीट करते हैं, लेकिन दोनों को मिला दें तो बेडरूम, बेडरूम मीन्स शयन कक्ष। तो इस तरह से इसका एक अलग मीनिंग है और इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो इसका मीनिंग इनकी अलग अलग मीनिंग से जो है मैच नहीं करता है, तो ये एक अलग मीनिंग को जो है कन्वे करता है। इसी प्रकार से पोस्ट मैन, मैन एक आदमी होता है, पोस्ट डाक होती है, तो इसको दोनों को मिलाया तो हमने बन गया डाकिया। तो ये एक अलग मीनिंग है, ये एक अलग नाउन है, ठीक है, ये एक अलग मीनिंग को कन्वे कर रहा है, ये दोनों अलग अलग मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। तो जिस मीनिंग को ये दोनों, ये नाउन अलग अलग जो कन्वे कर रहे हैं जिस मीनिंग को, उस मीनिंग से बिल्कुल हटकर ये कंपाउंड नाउन मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड नाउन्स है, और कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा, जिन दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर कंपाउंड नाउन बनता है, उस कंपाउंड नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन दोनों ही या दो या दो से ज़्यादा शब्द जो यूज किए हैं उन सभी का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें से एक वर्ड हटा दें तो भी कंपाउंड नाउन बचेगा, ऐसा नहीं है। अगर जिन दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर वो कंपाउंड नाउन बना है, अगर हम उन दो या दो से ज़्यादा शब्द जो हैं उनमें से अगर एक भी शब्द को हटा देंगे तो कंपाउंड नाउन जो है वो प्रभावित होगा, उसका मीनिंग प्रभावित होगा। अब कई बार हम देखते हैं कि जो कंपाउंड नाउन होता है, जैसे ये यहाँ पे कंपाउंड नाउन है, आइसक्रीम, ग्रीन हाउस, ब्लू बर्ड। तो यहाँ पे अगर हम आइसक्रीम कहें तो आइसक्रीम एक एक थिंग होती है, एक वस्तु होती है जिसको बड़े चाव से लोग, मतलब जो बच्चे हैं वो खाते हैं, आइसक्रीम एक खाने की जो है क्रीम होती है। तो ये यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है जिसको हमने किससे बनाया है, आइस और क्रीम से, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है। लेकिन ये दो शब्द लिखे हुए यहाँ पे कोल्ड वाटर बिल्कुल अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से आइसक्रीम लिखा हुआ है उसी तरह से कोल्ड वाटर दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ पर ये आइस एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि आइस और क्रीम दोनों मिलकर आइसक्रीम एक कंपाउंड नाउन का निर्माण कर रहे हैं। जबकि कोल्ड वाटर एक कंपाउंड नाउन नहीं है, बल्कि कोल्ड उसमें एडजेक्टिव है, वाटर इसमें नाउन है। तो इस तरह से कई बार हमें ये कन्फ्यूजन भी होता है कि कई बार दो शब्द लिखे हुए होते हैं और कंपाउंड नाउन को भी हम जो है दो शब्दों में लिख सकते हैं अलग अलग, बीच में स्पेस दे करके, ठीक है। वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि कंपाउंड नाउन कैसे कैसे आपको देख, मतलब कैसे कैसे आपको दिख सकते हैं, कैसे कैसे हम उनको लिख सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन को जो है दो या दो से ज़्यादा शब्द जिससे वो कंपाउंड नाउन बना है, उन शब्दों के बीच में हम स्पेस भी छोड़ते हैं कई बार, जैसे इसमें छोड़ा गया है आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम एक नाउन है, जबकि कोल्ड वाटर, वाटर एक नाउन है लेकिन कोल्ड एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार देखिए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस एक जो है एक नाउन है, लेकिन अगर आप ग्रीन और हाउस के बीच में स्पेस छोड़ देंगे तो ये अलग वर्ड बन जाएगा, ये एक ऐसा हाउस बन जाएगा जहाँ जिसका जो है जो ऐसे लगता है जैसे कि जिसको ग्रीन कलर की जो है पेंट कर रखी है। इसी प्रकार से ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड एक पक्षी होता है, ठीक है, ब्लू बर्ड एक टाइप ऑफ बर्ड होता है, लेकिन अगर आप इसके बीच में स्पेस छोड़ देंगे और आप कहेंगे ब्लू स्पेस बर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसा पक्षी जिसके शायद नीले रंग के पंख हैं। तो इसको लिखते समय काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हमें जो है अनावश्यक स्पेस नहीं छोड़ना है और हमें अनावश्यक उनको जो है इकट्ठा भी नहीं लिखना है। दूसरा, हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि जो स्पेस हम छोड़ते हैं बीच में तो उसका जो है जो दो शब्द जो मिलकर बन रहे हैं वो कब वो कंपाउंड नाउन होगा और कब वो एक एडजेक्टिव और जो अलग से एक नाउन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में वाटर एक नाउन है जबकि कोल्ड एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से आइसक्रीम, लेकिन इसमें आइसक्रीम ये जो वर्ड है इसमें दोनों शब्द मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए आप एक अच्छी डिक्शनरी परचेज़ कर सकते हैं। उस डिक्शनरी में हर चीज़ मेंशन की गई होती है कि एक नाउन है या इसमें एडजेक्टिव है वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड नाउन है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। तो कंपाउंड नाउन जो होता है उसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला, एक सिंगल वर्ड के रूप में, जैसे कि सिंगल वर्ड के रूप में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखे हैं कुछ नाउन, ये सारे कंपाउंड नाउन हैं, ठीक है। जैसे हेयर कट, टूथपेस्ट, बेडरूम, वॉलपेपर, बुक केश, ठीक है। ये सभी शब्द जो हैं वो कंपाउंड नाउन हैं, क्योंकि हेयर और कट दो शब्दों से मिलकर बना है, टूथपेस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, बेडरूम, वॉलपेपर, बुक केश, तो ये सभी कंपाउंड नाउन है और ये सिंगल वर्ड के रूप में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। कंपाउंड नाउन को हम जो है टू वर्ड्स के रूप में भी लिखते हैं, जैसे कि मतलब जो दो शब्दों से मिलकर जो कंपाउंड नाउन बनता है उन शब्दों को हम अलग अलग, अर्थात तो उन दोनों शब्दों के बीच में स्पेस देकर, इस तरह से भी हम जो है कंपाउंड नाउन को लिखते हैं। जैसे रेन, फॉरेस्ट, आइसक्रीम, पोस्ट ऑफिस, फायर, इंजन, ठीक है। इसी प्रकार हम हाइफनेटेड फॉर्म में भी जो है कंपाउंड नाउन को लिखते हैं। हाइफनेटेड का मतलब होता है शब्दों के बीच में हाइफन लगाना, जैसे सेल्फ एस्टीम, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम के बीच में हाइफन है, सन इन लॉ दोनों के बीच में यहाँ पे हाइफन है, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे भी जो है एक हाइफन आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो उन प्रॉपर नाउन्स को भी हम जो है कंपाउंड नाउन के रूप में ही जानते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला, हाइफिल टावर, अटलांटिक ओशियन, इसी प्रकार ताजमहल, तो ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं देखने में तो वो, लेकिन हम इनको जो है कैसे नाम कहेंगे, हम इनको कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हम कंपाउंड नाउन जो है वो बनाते कैसे हैं। तो देखिए, नाउन प्लस नाउन, अर्थात एक नाउन के साथ हम दूसरा नाउन लिख करके कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे फुटबॉल, तो यहाँ पे फुट एक नाउन हो गया, बॉल दूसरा नाउन हो गया, और इन दोनों को जो हमने जोड़ा तो फुटबॉल एक कंपाउंड नाउन बन गया। उसी प्रकार असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट भी नाउन है, क्लर्क भी नाउन है, असिस्टेंट क्लर्क एक कंपाउंड नाउन है। टूथ ब्रश, तो यहाँ पे टूथ एक नाउन है, ब्रश दूसरा नाउन है, टूथ ब्रश कंपाउंड नाउन बन गया। कार व्हील, कार भी एक नाउन है, व्हील भी एक नाउन है, कार व्हील, तो एक कंपाउंड नाउन बन गया। तो इस तरह से हम नाउन के साथ नाउन को लिख करके कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। उसी प्रकार हम एडजेक्टिव के साथ नाउन को लिख कर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक एक एडजेक्टिव है, बोर्ड एक नाउन है, तो ब्लैक बोर्ड। उसी प्रकार सॉफ्ट वेयर, सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है, वेयर, वेयर को जिसको हम कहते हैं सामान, तो सॉफ्ट वेयर, सॉफ्ट वेयर एक कंपाउंड नाउन बन गया। मंथली टिकट, तो यहाँ पे मंथली एक नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, और टिकट एक नाउन है, तो मंथली टिकट एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी प्रकार ग्रीन हाउस, तो ग्रीन एक एडजेक्टिव है, हाउस एक नाउन है, ग्रीन हाउस एक कंपाउंड नाउन बन गया। लेकिन हम यहाँ पे इसको ग्रीन हाउस अलग अलग नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम अलग अलग लिखते हैं इसको, तो बन जाएगा ग्रीन एक एडजेक्टिव, हाउस एक नाउन, ऐसे कि जैसे कि ऐसा घर जिसको ग्रीन कलर की जो है पेंट वगैरह कर रखी हो। उसके बाद है हम वर्ब के साथ जो है नाउन भी लिख करके हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेक एक वर्ब है, फास्ट एक जो है नाउन है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, यहाँ पर एक ये जो है कंपाउंड नाउन बन गया। उसके बाद वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग एक वर्ब हो गई, मशीन एक नाउन हो गया, वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी प्रकार स्विमिंग वर्ब है, पूल एक नाउन है, तो स्विमिंग पूल ये भी एक कंपाउंड नाउन है। उसके बाद हम नाउन के साथ वर्ब को ऐड करके भी एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे सनराइज, सन एक नाउन हो गया, वर्ब एक जो है राइज एक वर्ब हो गई, तो सनराइज एक कंपाउंड नाउन बन गया। उसी प्रकार हेयर कट, तो हेयर एक नाउन है, कट एक वर्ब है, तो हेयर कट ये जो है एक कंपाउंड नाउन बन गया। हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ मिला के भी हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे चेकआउट, तो यहाँ पे चेक एक वर्ब हो गई, आउट एक प्रीपोजिशन हो गई, तो चेकआउट एक कंपाउंड नाउन है। एडवर्ब के साथ हम वर्ब को ऐड करके भी जो है कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे आउटपुट, तो आउट एक एडवर्ब हो गई, पुट एक वर्ब हो गई, आउटपुट। इसी प्रकार से ओवर थ्रो, ओवर एक एडवर्ब हो गई, थ्रो एक वर्ब हो गई, तो ओवर थ्रो। इसी प्रकार इनपुट, इन एक एडवर्ब हो गई, पुट एक वर्ब हो गई, इनपुट। उसी प्रकार अप टर्न, अप एक एडवर्ब हो गई, टर्न एक वर्ब हो गई, तो अप टर्न कंपाउंड नाउन बन गया। तो इस तरह से हम इनको एडवर्ब के साथ हम वर्ब को जोड़ जोड़ करके
कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। उसी प्रकार नाउन के साथ हम प्रीपोजिशन या नाउन के साथ हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस रखकर भी जो है कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे पाशर बाई, तो यहाँ पे पाशर नाउन हो गया, बाई एक प्रीपोजिशन, हैंगर ऑन तो हैंगर एक नाउन, ऑन एक प्रीपोजिशन। इस प्रकार हंगर ऑन पाशर बाई कंपाउंड नाउन है। इसी प्रकार मदर इन लॉ, तो यहाँ पे मदर इन लॉ ये मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे, तो मदर इन लॉ, तो यहाँ पे मदर एक नाउन है, इन लॉ ये इन लॉ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तीसरा नाउन के साथ हम प्रीपोजिशनल फ्रेज को रख कर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन के साथ नाउन, अर्थात हम प्रीपोजिशन के साथ नाउन को ऐड करके भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे अंडर वर्ल्ड, तो अंडर यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, वर्ल्ड यहाँ पे नाउन है, तो अंडर वर्ल्ड। इस तरह से प्रीपोजिशन और नाउन को मिला के भी जैसे ये बन गया अंडर वर्ल्ड, तो ये एक कंपाउंड नाउन है। आगे है नाउन के साथ हम एडजेक्टिव रखकर भी कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे ट्रक फुल, तो यहाँ पे ट्रक एक नाउन हो गया, फुल एक एडजेक्टिव हो गया, ट्रक फुल तो कंपाउंड नाउन है। इस तरह स्पून फुल, स्पून एक यहाँ पे नाउन है और फुल एक एडजेक्टिव है, तो स्पून फुल कंपाउंड नाउन है। इसी प्रकार हम नाउन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन रख के उसके बाद फिर नाउन रख के भी हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो डॉक्टर नाउन हो गया, फिलोसफी नाउन हो गया, बीच में प्रीपोजिशन हो गया। इस प्रकार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट एक नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, सेक्रेटरी नाउन हो गया। तीसरे से हम नाउन और मतलब दो नाउन के बीच में हम ऑफ प्रीपोजिशन रखकर भी जो है कंपाउंड नाउन बनाते हैं, और नाउन के साथ एडजेक्टिव रखकर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर एक बनाया गया एक शब्द होता है, और वो एक नाउन का काम करता है, और उसका जो मीनिंग होता है उसके लिए जिन शब्दों से मिलकर वो बना है वो सभी शब्द जो है उसमें उन सभी शब्दों का उसमें योगदान होता है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन का अस्तित्व तभी होता है जब वो जिन शब्दों से मिलकर वो बना है वो सभी शब्द अपना अपना मीनिंग जो है उसको दें। अगर उनमें से एक भी शब्द को ड्रॉप कर दिया जाए तो कंपाउंड नाउन का जो मीनिंग है वो प्रभावित होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।